वेरी गुड, पहुंच गई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। पूजा, सुबह सुबह के काम बाकी हैं अभी बहुत सारे, तो अभी किचन के सारे काम बाकी हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आज जो करनी है। अभी नीचे गणेश जी बैठे हैं, वहाँ पर मैं दर्शन नहीं करके आई अभी तक, तो अभी वहाँ जाऊँगी दर्शन करने, और उसके बाद किचन के जो भी काम है वो वहाँ से फ्री हो जाऊँगी। श्री आराम से बेटा, गिर जाओ, लाओ हाथ पकड़ो, अच्छे निकलते। हाँ, अब आ जाओ, आ जाओ। ये मेरी पूछ है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहीं वहीं श्री जाएगी। श्री, हम अभी नीचे जा रहे हैं, मैं और श्री जाएंगे। श्री, श्री चलो नीचे घूमी मम्मी के साथ। श्री, श्री घूमी चले, चलो। श्याव, श्याव, चलो। नीचे जाएंगे हम गणेशा के दर्शन करने। पापा नहीं, मम्मा और आप चलेंगे। पापा अपना ऑफिस कर रहे हैं, ठीक है। मम्मा भी स्लीपर्स पहन ले, चलो। आप ऐसे ही चलो, फिर आप पूरी रंगोली खराब करती हो। ये लिफ्ट नहीं चलेगी, उधर वाली से जाना है। पगो, लिफ्ट ओपन, प्रेस जीरो, 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 हम पहुंच गए। ये आओ, आ जाओ, चलो। आओ आओ आओ, यहाँ पे रंगोली बनी है, खराब नहीं करना है आपको। मम्मा चाहता हूँ, मम्मा गोदी से चलो, उधर से चल जाओ, अंदर चले जाओ। चलो 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 चलो, वेरी गुड, पहुँच गई। यस, अब मम्मा इधर से आ जाती हूँ। मम्मा भी आ गई। आ जाओ, जय हो गणपति बापा। शी बोलो, गणपति बापा मोरिया। मशा नहीं है यहाँ पे, जय हो, जय हो करो, जय हो। शिवांश भैया के गणपति जी हैं यहाँ, छवि बैठे हैं, जय हो गणेशा। बहुत सारे गणेशा आ गए यहाँ पे, सब गणेशा को कल दो जय। देखो आई, श्री, श्री गंदी बात है ये तो।
हट गंदी बच्ची। फिर हम माँ बेटी बैठेंगे गणेश के पास और यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगता है। बाहर से ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बारिश का तो मौसम रहता ही आजकल हैदराबाद में। क्या कर रही हो तुम? पीती बोलो श्री की तो पीती पीती पीती। हेलो आंटी, पानी पी लिया आपको? चलो ऊपर पिलाऊंगी, यहाँ पे तो ही पानी है। मशरूम मशरूम चलो मम्मा को उठने दो, मम्मा की शादी पे शहर तो Later. त्योहारों के दिनों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इग्नोर होती हैं उनमें से एक है क्लीनिंग। तो मैं पूजा पाठ करके सब चीज़ों से फ्री होने के बाद ही टाइम निकालती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो घर की क्लीनिंग हो या अपने रूम की, तो बिस्तर वगैरह हटा देती हूँ सुबह ही, पर उसके बाद जो बेसिक क्लीनिंग है डस्टिंग वगैरह वो बाद ही में ही कर पाती हूँ। और ये सब करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में हेल्पर जो थी वो क्लीनिंग करके बर्तन वगैरह सब लगा के रख के चली गई थी। और अब मुझे इन बर्तन को वापस उनकी जगह ही पर लगाना है और उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। और लंच करने के बाद हम थोड़ी देर रेस्ट भी करते हैं और श्री के शाम के लिए मैं फ्रूट्स भी कट करके रख दूँगी क्योंकि वो 4 o'clock के अराउंड उठ जाएगी और उसको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है उस टाइम पे। 3 hours later. तो 5 बज चुके हैं और इवनिंग की आरती का टाइम हो चुका है। नीचे जाऊंगी 6 बजे क्योंकि 6 बजे सब लोगों का कॉमन टाइम फिक्स्ड है जब हम नीचे इकट्ठे होकर नीचे की आरती करते हैं गणेश जी की। तो उससे पहले अपने घर के बप्पा को मैं अच्छे से भूल गाकर पूजा करके जाती हूँ। तो मंदिर में दिया लगाकर उसके बाद बप्पा के पास दिया लगाकर और भोग चढ़ाकर उनकी आरती कर फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो मंदिर का काम हो चुका है पूजा का और अब मैं जाती हूँ बप्पा के पास। ये रहे हमारे बप्पा जो कि हमारी वेट कर रहे हैं। तो चलिए इनकी आरती करते हैं अच्छे से। तो श्री तो शोर मचाए बिना रह नहीं सकती। गोइंग डाउन 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 गोइंग डाउन सब कुछ मिक्स कर देती है वर्ड्स के। आप दोनों खेल लो, वो चप्पल नहीं पहनती, ध्यान से करना ठीक है। वो ऐसे ही आ गई थी, फिर वो शूज हाथ लगाना पड़ता है। आराम से खेलो, जनरेटर से दूर रहना ठीक है। अरे इसको थोड़ी देर खेलना है, मैं यहीं पे हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं भी जाऊँ, ये नहीं मानेगी ना। मम्मा पूजा करो। खेल लो थोड़ी देर, मैं अभी जा रही हूँ। आंटी भी पार्ट कर रही है ना। तो शाम की आरती के बाद मैं ऊपर आ गई थी बच्चों को लेके और हमारा डिनर टाइम थोड़ा सा जल्दी रहता है तो मुझे 7:30 तक अपना डिनर रेडी करना होता है। अभी 7 o'clock हो रहे हैं और फटाफट मैं बनाऊंगी सभी के लिए फ्राइड राइस। मैं मोस्टली डिनर स्किप करती हूँ क्योंकि मुझे 6:30 के बाद कुछ खाना नहीं होता। तो 6 o'clock के अराउंड जो भी रहता है वो खा लेती हूँ, कोई फ्रूट्स हो या कोई भी और चीज़ होती है। तो एक्चुअली क्या, मैंने काफ़ी टाइम तक डाइट की और रात का खाना मैंने बहुत कम ही लिया, ऑलमोस्ट लाइट ही रखती थी मैं। तो वो मुझे हैबिट हो गई और वो बेटर भी मुझे लगता है क्योंकि एसिडिटी है या फिर
कुछ भी प्रॉब्लम है वो नहीं होती है रात को। मेरे ख्याल से जब हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जबकि हम कम खाते हैं तो हम इन सभी चीज़ों से, सभी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुका है और बस मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी और फिर मैं इसको सर्व कर दूँगी। सो डिनर भी बन चुका है और श्री मुझे लगा कौन, तो डिनर बन गया और अभी कुछ पैकिंग का सामान मेरे पास है क्योंकि सो क्या है, कल होने वाले हैं नीचे फंक्शंस क्योंकि परसों गणेश जी का विसर्जन है और एक दिन पहले हम बच्चों के कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखते ही हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ड्राइंग कंपटीशन का, डांस का और गेम्स का प्रोग्राम वगैरह रखा है, तो ये सभी चीज़ें भी कल होने वाली हैं और इसीलिए उनको रिटर्न गिफ्ट में हम देंगे कुछ गिफ्ट्स और उन्हीं की पैकिंग करनी है। एक्चुअली वो अमेज़ॉन से रिसीव हो चुका है मुझे और बस सोसाइटी ने एक साथ मिल के ही, इसीलिए अभी मैं बैठ के पैकिंग करूँगी। वैसे तो लक्ष्मी दीदी आने वाली हैं बट उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फिलहाल, तो मैं अभी फ्री हूँ तो मैं इस टाइम बैठ के उस पैकिंग को कर लेती हूँ फटाफट बच्चों के लिए। और अभी शिवांश भी नहीं है क्योंकि शिवांश को भी मिलेगा तो उसके लिए भी सरप्राइज़ ही होना चाहिए, इसीलिए बस जाके अभी फटाफट पैक करती हूँ। शिवांश नीचे खेलने गया तो जब तक वो आएगा तब तक मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद साड़ी चेंज करूँगी क्योंकि पहले अगर चेंज करने लग गई ना तो शिवांश के आने का टाइम हो जाएगा और सरप्राइज खराब हो जाएगा। क्या हुआ, नीचे खेलने गया? तो ये सब हैं गिफ्ट आइटम बच्चों के लिए जो कि वो एक्टिविटीज़ करेंगे और हम उनको रिटर्न गिफ्ट देंगे। तो कुछ बैग्स हैं जो कि आप पेंट कर सकते हैं, कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और अभी स्टिल कुछ आना बाकी है जो कि कलरिंग से रिलेटेड है, तो वो पार्सल थोड़ा सा लेट हो गया, वो भी आने ही वाला होगा, तो तब तक मैं इन सब चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ, बैग सेट करके रख देती हूँ जिससे कि जो बाकी सामान आने वाला है वो मैं साथ के साथ इसमें ऐड कर दूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारे रिटर्न गिफ्ट जिसमें हम रखने वाले हैं वो हैं ये इस टाइप के कुछ बैग्स जो कि हम दोनों तरफ से पेंट करवाएंगे। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, तो ये बैग्स बच्चे अपने आप पेंट करेंगे, इसलिए एक तरह से DIY हो गया है उनके लिए, और इसी के अंदर हम रिटर्न गिफ्ट रखेंगे। तो कुछ डिफरेंट स्टाइल के कैप्सूल्स थे जिनको एक्सटेंड करके आप पेन बना सकते हैं, और इसी के साथ कुछ किट्स हैं स्टेशनरी किट्स जिसमें थीम थे जो यूनिकॉर्न थीम गर्ल्स के लिए और एस्ट्रोनॉट थीम बॉयज़ के लिए जो कि उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बाकी कलर पैलेट आने वाला है, वाटर कलर्स वगैरह उसमें बच्चों के लिए होते हैं, तो वही यूज़ करके बच्चे इन बैग्स को भी पेंट कर सकते हैं। और नीचे रखेंगे हम ड्राइंग कॉम्पिटिशन, तो उसके लिए मुझे प्रिंट आउट निकालना है गणपति जी का। ड्राइंग कॉम्पिटिशन के लिए ऑलमोस्ट 20 मिनट्स मिलेंगे और उस 20 मिनट्स में उनको कलरिंग करना होगा, प्रिंट आउट्स मैं घर से लेके जाऊंगी, तो जो प्रिंट आउट होंगे वो बहुत ही सिंपल से इजी से जो गणपति होंगे वो मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि कम से कम टाइम में वो बहुत अच्छा पेंट कर पाए तभी हो पाएगा वो, नहीं तो अगर मैं थोड़ा सा भी टफ प्रिंट आउट निकालूंगी तो वो उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कम टाइम में करना, क्योंकि सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं तो इसीलिए ईजी रहे तो बेस्ट है उनके लिए। तो सभी बैग्स मैंने रेडी कर लिए हैं, ये अराउंड 20 बैग्स हैं और इनको मैं वापस से सेम बैग के अंदर रख दूंगी जो अमेज़ॉन वाला बैग था, क्योंकि शिवांश ने वो बैग देखा हुआ है और उसको आइडिया नहीं है उसमें क्या रखा है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा, तो मैं वापस इसी के अंदर रख देती हूँ जिससे कि उसको बिल्कुल भी आइडिया ना लगे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रखी है। सो पैकिंग करने के बाद कुछ आइटम्स बचे थे वो उसमें ऐसे ही रखे हैं पैकिंग, और मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो अब खाना हो गया, पैकिंग हो गई, अब मैं करूँगी अपने कपड़े चेंज। और यहाँ पे श्री सो रही थी तो अभी कंबल खुला है, बहुत तो बहुत साड़ी खेल लिया आज के लिए इतना ही। और शिवांश के स्टार्ट होने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, तो उसका प्लानर भी बनाना है क्या पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, और सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज सब चीज़ डिवाइड करनी है, और 4 डेज़ की शिवांश की भी छुट्टी है तो उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि नहीं कुछ प्लान बन के रहेगा तो वो पढ़ेगा नहीं ढंग से। तो ऐसे ही मेरी बचपन में अपनी भी आदत थी, मैं प्लानर बना के ही पढ़ाई करती थी, और ऐसे ही मैं शिवांश के साथ भी रखती हूँ, तो हमेशा टाइम टेबल बना के, और तो जब तक अपने हाथ में है तब तक बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ा ही सकते हैं, तो बस यही है। अभी तो वो 3rd स्टैंडर्ड में है तो फटाफट से करती हूँ कपड़े चेंज और बाकी जो जो चीज़ें रह गई हैं उनको करते हैं और सबको डिनर वगैरह देते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं बैठ चुकी हूँ शिवांश को लेके और शिवांश ऐसे टाइम पे ना घबरा जाता है कि अब पता नहीं कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी, मम्मा बैठ गई बुक्स और लैपटॉप लेके,
तो बस मैं प्लानर बना रही हूँ फटाफट, और इसी के साथ करती हूँ व्लॉग को एंड। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कल वाला व्लॉग आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और कल हमारी जो सोसाइटी है वो बनने वाली है गोकुलधाम सोसाइटी नंबर 2, तो आप लोग भी खूब इंजॉय करेंगे। हमारे पप्पा का कल सोसाइटी में लास्ट डे है, और मिलते हैं कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।